वहीं एक और अहम खबर आ रही है फिनलैंड से। रूस को लग सकता है बड़ा झटका, नेटो मेंबरशिप। फिनलैंड के विदेश मंत्री का नेटो मेंबरशिप को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। अप्रैल के अंत तक नेटो का सदस्य बन सकता है फिनलैंड। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन को रूस ने दी थी वार्निंग, याद कीजिए, कि अगर नेटो में शामिल हुए तो इसका अंजाम बुरा होगा। नेटो मेंबरशिप पर रूस ने यह कड़ी चेतावनी दी थी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च में स्वीडन के एयर स्पेस में रूस के न्यूक्लियर फाइटर्स ने घुसपैठ भी की थी। इस खबर को किस तरह से आप देखते हैं? अगर फिनलैंड नेटो का मेंबर बन जाता है तो फिर, क्योंकि पहले से ही यह खतरा जताया जा रहा है कि कहीं फिनलैंड पर अटैक ना कर दे रशिया, और अगर ऐसा हो गया तब तो फिर हमला तय है। देखिए, फिनलैंड की 1948 का एक एग्रीमेंट है रशिया के साथ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जर्मनी और उसके एलाइज कभी भी कोई अटैक करते हैं वो रशिया का साथ देगा। और इस जब उन्होंने फिनलैंड में बातचीत शुरू की थी 2014-15 में कि नेटो को ज्वाइन करना चाहिए, तो 2016 में रशिया ने क्लियरली उनको वार्निंग दी थी कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हम अटैक करेंगे, और अगर फिनलैंड नेटो ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं रशिया को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, फिर यह विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। इसमें फिनलैंड का जो यह स्टेटमेंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि वो नेटो को ज्वाइन करेंगे। क्या नेटो उनको मेंबरशिप देगा यह दूसरी बात है, लेकिन इसके ऊपर रशिया जरूर एक्शन लेगा, क्योंकि उन्होंने कई बार उन्होंने इस बीच एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि जिस यूक्रेन के ने नाटो की मेंबरशिप के लिए अभी बात ही की थी उसको लेकर हमला हो गया और फिनलैंड अब उसमें शामिल होने की बात कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।